हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों को स्वागत है अर्चना किचन कानपुर में। तो दोस्तों, आज मैं बना रही हूँ करेला। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने 250 ग्राम करेला लिए हुए हैं और मैं इनको करेला को अच्छे से छील लेती हूँ, इस तरीके से ऊपर ऊपर का छिकला निकाल देती हूँ। तो दोस्तों, आज मैं बनाऊंगी भरवा करेला और इतने स्वादिष्ट बनते हैं कि आप लोग जरूर एक बार ट्राई करना। तो यहाँ पर मैंने सब करेले छील लिए हैं और छील के रख लिए हैं, मैं अभी धुलूंगी। तो यहाँ पर मैंने करेले को बनाने के लिए 4 गांठ प्याज लिया हुआ है, प्याज भी मैं छील लेती हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने जो 4 गांठ ली थी प्याज की, तो वो मैंने छील ली है। और यहाँ पर मैं 4-5 अंबिया है छोटी छोटी साइज की, तो ये भी मैं छील लेती हूँ। ये अंबिया भी डालूंगी तो इससे खट्टीपंती आ जाएगी, तो ये अंबिया भी मैं छील लेती हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने अंबिया और प्याज और करेला मैंने छील लिए है और जा रहे। अब अच्छे से मैं दो पानी से बढ़िया से धुल लाती हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने करेला धुल लिए हैं और प्याज भी धुल लिया और अंबिया भी मैंने धुल ली है। तो मैं करेला को मैं बीच से इस तरीके से फाड़ लेती हूँ, क्योंकि मैं आज भरवा करेला बनाऊंगी। तो यहाँ पर मैं बीच से फाड़ लेती हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं देख लेती हूँ बीच में कहीं कीड़ा ईड़ा तो नहीं है। तो आप देख सकते हैं एकदम बढ़िया से अच्छे हैं। और करेला मैं इसी तरीके से सब बीच से फाड़ लेती हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने करेला बीच से फाड़ के रख लिए हैं और यहीं पे मैं प्याज भी थोड़ा सा महीन महीन काटूंगी इस तरीके से, क्योंकि मैं इसे पीसना है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने प्याज काट लिया है और चलते हैं अब किचन में। तो दोस्तों, यहाँ मैंने करेला के लिए मसाला लिया हुआ है, तो मैंने 2 चम्मच सौंफ ली है, 2 चम्मच जीरा है, 3 चम्मच मैंने लाई ली है। आपके पास अगर पीले वाली सरसों हो तो आप पीली वाली भी ले सकते हैं, हमारे पास काली है तो मैंने काली ली है। तो दोस्तों, ये मैं चलती हूँ थोड़ा सा हल्का हल्का सा भूंज लेती हूँ तवा। तो दोस्तों, यहाँ पर तवा मैंने बहुत पहले चढ़ा दिया था, आप देख सकते एकदम काला हो गया, बहुत गर्म हो गया है। तो मैं धीम कर देती हूँ गैस और धीमी धीमी गैस पे मैं 1-2 मिनट तक इसको भूंज लेती हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने गैस बंद कर दिया है और 1 ही मिनट मैंने भूजा है, देख सकते हैं आप बिल्कुल बढ़िया से भून गई है। और मैं निकाल लेती हूँ प्लेट में, तो मैं इसी प्लेट में निकाल लेती हूँ और थोड़ा सा हल्का सा ठंडा हो जाने देते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर ये देखिए ठंडा हो गया है और मैं सिलबट्टा ली हूँ। दोस्तों, मैं एकदम देसी स्टाइल में अपनी करेला बनाती हूँ, तो यहाँ पर एकदम सिलबट्टा मेरा बहुत अच्छे से साफ है और मैं चलती हूँ सिलबट्टे में सब चीजें ये पीस लेती हूँ। दोस्तों, अब तक चैनल ना सब्सक्राइब किया हो तो प्लीज कर लेना। और मैं इस तरीके से बढ़िया से महीन महीन से पीस देती हूँ, एकदम बिल्कुल महीन पीसना है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये मसाला हमारा बढ़िया से पीस गया है और यहीं पे मैं पीसूंगी इसमें प्याज। तो दोस्तों, मैं प्याज मिक्सी में नहीं पीसूंगी, क्योंकि सिलबट्टे से पीसने से स्वादिष्ट करेला बनते हैं। तो यहाँ पर मैं आधा आधा करके ले लेती हूँ और इसको एकदम बारीक नहीं पीसना है, क्योंकि इसको थोड़ा सा मोटा रखना है। और मैं मोटा मोटा से सिर्फ इसको इस तरीके से मोटा रहे और मैं इस तरीके से कूट लेती हूँ, तो ये मोटा मोटा रहेगा। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने ये प्याज को कूट लिया है, तो देख सकते हैं मोटा मोटा मैंने रखा। यहीं पे मैं ले लेती हूँ अंबिया, तो मैंने अंबिया जो छीली थी वो भी मैं इसी तरीके से मोटी मोटी कूट लेती हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने अंबिया और प्याज बढ़िया से कूट लिया है, आप देख सकते हैं इतना मोटा मोटा मैंने रखा हुआ है। तो दोस्तों, इस तरीके से आप एक बार जरूर ट्राई करिए, बहुत स्वादिष्ट बनते हैं करेले। तो यहाँ पर मैं सब मसाला और अंबिया और प्याज एकदम बढ़िया से मिक्स कर लेती हूँ इस तरीके से, और अब निकाल लेती हूँ मैं प्लेट में। दोस्तों, यहाँ पर मैंने प्लेट में निकाल लिया और यहीं पे मैं 1/2 चम्मच हल्दी डाल देती हूँ और यहीं पे मैं डाल लेती हूँ स्वाद अनुसार नमक और अच्छे से कर देते हैं मिक्स। यहाँ पे दोस्तों, मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ।
तो दोस्तों यहाँ पर बहुत अच्छे करेला मेरे बनेंगे। खुशबू भी देखिए, मसाला में मिला रहे हैं, खुशबू वो बहुत अच्छी आ रही है। तो दोस्तों एक बार आप लोग ट्राई जरूर करिएगा, ये हमारे गांव का स्टाइल है बनाने के लिए। तो यहाँ पर मैं ले लेती हूँ लोहे की कढ़ाई और करेला भरना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं करेला जो फाड़ी थी इस तरीके से मैं खोल के और इसमें बढ़िया से दबा दबा के मैं भर देती हूँ मसाला, और भर के कढ़ाई में रखती जाती हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने सब करेले बढ़िया से भर लिए हैं और जो मसाला बचा है तो मैं ऊपर इसकी डाल देती हूँ, और अभी मैं हाथ धुल लेती हूँ पहले। तो दोस्तों यहीं पे मैं डाल देती हूँ तेल ऊपर से। तो दोस्तों इसमें पानी एक भी नहीं डालना है, नित्य तेल में ही पकाना है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने तेल डाल दिया है और अब मैं इसी प्लेट से इसको बंद कर देती हूँ और बंद करके धीमी आंच पे चढ़ा देती हूँ गैस पे। तो यहाँ पर मैं धीमी आंच कर देती हूँ गैस की, और कम से कम दोस्तों आधा घंटा पौन घंटा पकेंगे, एकदम बिल्कुल धीमी आंच पे पकाना है और बीच बीच में उलटाते पलटाते रहना है। तो दोस्तों यहाँ पर करेला हमारे पक गए हैं, आधा घंटा हो गया है धीमी धीमी आंच में पक रहे थे। तो यहाँ पर मैं गैस कर देती हूँ बंद और आपको दिखा देती हूँ कि आप देख सकते हैं करेला मेरे बहुत अच्छे से पक गए हैं। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी रेसिपी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर लेना। और दोस्तों एक चीज़ और कि अगर कभी भी करेला बनाइएगा तो लोहे की कढ़ाई में बनाइएगा, बहुत अच्छे बनते हैं, बहुत टेस्टी बनते हैं। तो दोस्तों कल मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, धन्यवाद।